एक इक्वेशन जो मैंने आप लोगों को ये जो ह्यूमन इक्वेशन स्टार्ट हुई थी तब बताई थी, एक तो क्यू बराबर क्या बताया था, ई ऑफ कैपिटल वाई प्लस ई ऑफ स्मॉल वाई माइनस के ई ऑफ एक्स बताया था। तो एक इक्वेशन बताई थी क्यू बराबर एम ऑफ कैपिटल वाई प्लस एम ऑफ स्मॉल वाई माइनस एम ऑफ कैपिटल एक्स प्लस एम ऑफ स्मॉल एक्स, ठीक है। ये दो इक्वेशन बताई थी, इन दो इक्वेशन में से इस इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज कर देना, क्योंकि इस इक्वेशन का वैसे ज्यादातर यूज हुआ भी नहीं है, फिर भी इस इक्वेशन को चेंज कर देना। इसके अंदर जो होगा यहाँ पे एम ऑफ कैपिटल एक्स, एम ऑफ स्मॉल एक्स, और यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा आपके, एम ऑफ कैपिटल वाई एम ऑफ स्मॉल वाई आएगा। बाकी इस इक्वेशन के बाकी पूरा डेरिवेशन है उसके अंदर कोई भी मिस्टेक नहीं है, परंतु जो ये इक्वेशन थी जिसके अंदर आप लोग द्रव्यमान ऊर्जा के बीच में डिफरेंस निकाल लेते, उसमें चेंज कर देना। उसमें क्या होगा, अभिकारकों की ऊर्जा में से हमको किसको घटाना पड़ेगा, उत्पादों की ऊर्जा को घटाएंगे तब तो हमें क्या मिलेगी, क्यू मान इक्वेशन या फिर नाभिक के विघटन ऊर्जा का पता चलेगा। बस ये एक ये चेंज कर देना इस इक्वेशन का। वैसे पूरे डेरिवेशन में स्टार्ट से एंड तक देखोगे तो कहीं पे भी यूज नहीं हुआ कि इस इक्वेशन की सहायता से कुछ किया है, जो भी यूज हुआ वो उससे ऊपर वाली ऊर्जा का यूज हुआ है या ऊपर वाली इक्वेशन का हुआ है। तो ऊपर वाली इक्वेशन में कोई मिस्टेक नहीं है, नीचे वाली इक्वेशन को आप क्या कर लेना, थोड़ा सा चेंज कर देना, बाकी कोई भी मिस्टेक नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना, स्टार्ट से एंड तक। बाकी वहां पे अगर आप लोग अगर देखोगे ना तो उस कंडीशन के अंदर जो मैंने सबसे पहले आपको रिएक्शन लिखा के ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाया था, तो उसमें भी अगर सॉल्व करोगे तो आप लोगों को ये इक्वेशन मिलेगी, ई ऑफ कैपिटल वाई प्लस ई ऑफ स्मॉल वाई माइनस के ई ऑफ एक्स इजिकल्स टू एम ऑफ कैपिटल एक्स प्लस एम ऑफ स्मॉल एक्स माइनस एम ऑफ कैपिटल वाई प्लस एम ऑफ स्मॉल वाई। तो इससे इक्वेशन बाकी कोई भी मिस्टेक नहीं थी, ये मिस्टेक जो मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है ना। तो ये आप चेंज कर लेना, जहां जहां पर भी अगर वाई पहले लिखा हुआ है या उत्पाद वाली टर्म्स पहले लिखी हुई है उनको बाद में, और अभिकारकों वाली टर्म्स इसके अंदर जो द्रव्यमान ऊर्जा से रिलेटेड थी वो पहले आ जाएगी, ठीक है। दहलीय ऊर्जा, अब दहलीय ऊर्जा जिसे इंग्लिश में थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कहते हैं, ये होती क्या है, पहली तो बात वो आपको मालूम मालूम होना चाहिए। डेफिनेशन वैसे मैंने आपको बता दी थी कि वह ऊर्जा जिसकी सहायता से क्या कर सके, आपतित कण क्या करा सके, अभिक्रिया को स्टार्ट करा सके, या फिर अभिक्रिया जिससे प्रारंभ हो सके, उस ऊर्जा को हम क्या बोलेंगे, दहलीय ऊर्जा बोलेंगे। जो कि नॉर्मली कौन सी अभिक्रियाओं के अंदर पाई जाती है या कौन सी अभिक्रिया में इस ऊर्जा का यूज किया जाता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के अंदर। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें हमें नाभिकीय विघटन ऊर्जा का मान कैसा मिलता है, नेगेटिव हम लेते हैं, तथा साथ में उत्पाद उत्सर्जित होने वाले कण की ऊर्जा जो है वो किस प्रकार से प्राप्त होती थी, हमें काल्पनिक ऊर्जा प्राप्त होती थी। तो काल्पनिक ऊर्जा प्राप्त होती है उस कंडीशन में अभिक्रिया है वो पॉसिबल नहीं होती है। तो अभिक्रिया को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के अंदर अभिक्रिया को पॉसिबल कराने या संभव कराने के लिए जिस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है उसे हम कौन सी ऊर्जा बोलते हैं, दहलीय ऊर्जा बोलते हैं। जिसके अंतर्गत क्या है, आपतित कण के पास कम से कम इतनी ऊर्जा होती है कि वो क्या करा सकता है, नाभिकीय अभिक्रिया को स्टार्ट करा सकता है। तो इस प्रकार की ऊर्जा को हम कैसी ऊर्जा बोलेंगे, दहलीय ऊर्जा बोलेंगे। डेफिनेशन के अंदर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में आपतित कण के पास कम से कम इतनी ऊर्जा होती है या होनी चाहिए ताकि वह नाभिकीय अभिक्रिया को प्रारंभ
करा सके, तो इस ऊर्जा को कण की पहली ऊर्जा कहते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को ध्यान रखना है पहली ऊर्जा की डेफिनेशन क्या होगी, ऐसी ऊर्जा जिसकी सहायता से क्या हो सके, कोई भी अभिक्रिया शुरू हो सके, तो उस ऊर्जा को हम क्या बोलेंगे, उस आप कण की क्या बोलेंगे, दहली ऊर्जा बोलेंगे, जो कि नॉर्मली उष्मा शोषी अभिक्रियाओं के अंदर ही यूज होती है, क्योंकि उसके अंदर नाभिकीय विघटन ऊर्जा का मान क्या होता है, नेगेटिव होता है। रूट ऑफ ई वाई बराबर क्या होता है, वी प्लस माइनस रूट वी स्क्वायर प्लस ओमेगा। इसमें अभिक्रिया संभव होने के लिए हमें क्या चाहिए, अभिक्रिया कब संभव होगी, जब एक तो क्या चीज हो जाए, वी स्क्वायर प्लस ओमेगा का मान जीरो हो तथा कॉस थीटा का मान अधिकतम हो। एक होगा तो अभिक्रिया क्या हो सकती है, संभव हो सकती है। अब आप जो कल की क्लास में पूछ रहे थे ना, सर इसमें थीटा की कोई यूज है या कंडीशन है या नहीं है, तो थीटा की जो इसमें कंडीशन है वो यह है कि जब हम किसी भी नाभिक की अभिक्रिया में दहली ऊर्जा को ज्ञात करते हैं या दहली ऊर्जा का यूज करके किसी भी अभिक्रिया को प्रारंभ करते हैं, तो उस कंडीशन में आपको ये पता रहना चाहिए, ये ध्यान होना चाहिए कि एक तो वी स्क्वायर प्लस ओमेगा जो इस उसी होने वाले की कण की ऊर्जा के अंदर एक टर्म्स है, वी स्क्वायर प्लस ओमेगा, उसका मान किसके बराबर होना चाहिए, जीरो। तब हम किसी भी नाभिक की दहली ऊर्जा को ज्ञात कर सकते हैं, आपतित कण की दहली ऊर्जा को ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये कि जो उत्सर्जित कण है, क्योंकि आप लोगों को मालूम हो तो अभिक्रिया के अंदर जब हम ये आपतित कण है इसको क्या करते थे, किसी भी भारी नाभिक के ऊपर इंसिडेंट करते थे, तो उस कंडीशन में ये किस प्रकार से, इस प्रकार से विखंडित होता था, या फिर इस प्रकार से क्या करता था, अपने में से दो कणों को निकालता था, तो यहाँ पे एक एंगल थीटा बनता था और एक ये आई, तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, थीटा का मान अगर जीरो हो जाए, मतलब जिस दिशा से आपतित कण क्या हो रहा है, किसके ऊपर आपतित हो रहा है या फिर किसको इंसिडेंट कर रहा है, लक्ष्य नाभिक को उसी दिशा के अंदर क्या हो जाए, उत्सर्जित कण भी अगर उत्सर्जित हो जाता है या फिर कोई आपतित कण के कारण दूसरा कण उत्सर्जित होता है, तो उस कंडीशन के अंदर ही दहली ऊर्जा या उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या हो सकती है, संभव हो सकती है, अदरवाइज उष्मा शोषी अभिक्रिया कभी भी पॉसिबल नहीं होगी। क्योंकि इस लाइन से आप लोगों को एक ही पता चल रहा होगा, तो थीटा का मान क्या होता है, शून्य होगा, तभी कॉस थीटा की वैल्यू अधिकतम प्राप्त होगी ए, और कॉस थीटा की अधिकतम वैल्यू तभी प्राप्त होगी जब उत्सर्जित होने वाला कण भी क्या हो जाए, आपतित होने वाले कण की दिशा में उत्सर्जित हो, तो उस कंडीशन के अंदर वो अभिक्रिया क्या हो सकती है, संभव हो सकती है, और उस कंडीशन में जो आपतित कण की ऊर्जा होगी उसको हम कौन सी ऊर्जा बोलेंगे, दहली ऊर्जा बोलेंगे। तो इस लाइन का मतलब यही है, मतलब जिस दिशा में आपतित हो रहा है कण, उसी दिशा में अगर कण उत्सर्जित हो जाए तो वह अभिक्रिया उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है, तथा उसमें जो आपतित कण की ऊर्जा होती है उसको हम कौन सी ऊर्जा बोलेंगे, दहली ऊर्जा बोलेंगे। ये मिटा दो बोले यार ऊपर वाला, अब इसमें क्या है, v स्क्वायर प्लस ओमेगा के अंदर हमको क्या मतलब करना पड़ेगा, v तथा ओमेगा का मान रखना पड़ेगा, तथा उसके बाद में इस इक्वेशन को पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, और हमें क्या निकालना पड़ेगा, दहली ऊर्जा या फिर ये कह सकते हैं जो आपतित कण की ऊर्जा ex है उसका मान ज्ञात करना पड़ेगा। वह ex का मान ही जो होगा वो किसको प्रदर्शित करेगा, दहली ऊर्जा को, क्योंकि हमने क्या बोला, आपतित कण की ऊर्जा जो है उसको हम क्या बोल रहे हैं, आपतित कण की ऊर्जा से अगर नाभिक की अभिक्रिया स्टार्ट होगी तो उस ऊर्जा को हम दहली ऊर्जा बोलेंगे। तो जो ऊर्जा आपतित कण के पास में होगी वो कौन सी, गतिज ऊर्जा होगी, क्योंकि गतिज ऊर्जा से किसी गति से आते हुए क्या क्या आते हुए वो क्या करेगा,
लक्ष्य नाभिक को इंसिडेंट करेगा, तब उसमें से क्या होगी, एक उत्पाद नाभिक तथा एक उत्सर्जित कण क्या हो जाएंगे, उसमें से बाहर निकलेंगे या विखंडित होंगे। तो उस कंडीशन में जो हमें ऊर्जा ज्ञात करनी पड़ेगी वो कौन सी ऊर्जा होगी, E of X, या फिर ये कह सकते हो आपतित कण की ऊर्जा का मान ज्ञात करना पड़ेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, दहली ऊर्जा भी बोल सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं E x of minimum, क्योंकि हमने ऊर्जा कौन सी बताई है, इसके अंदर कौन सी यूज की है, मिनिमम ऊर्जा का यूज किया है, इसलिए यहाँ पे ई एक्स कैसी होगी, मिनिमम एनर्जी होगी वो ई एक्स के रूप में निकाली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से वी स्क्वायर प्लस ओमेगा का मान रखेंगे, वी स्क्वायर और ओमेगा का, तो यहाँ पे वी स्क्वायर का मान जो होता है, वी का मान वो क्या होता है, रूट ऑफ एम एक्स ई एक्स एम वाई कौन एम ऑफ कैपिटल वाई प्लस एम ऑफ स्मॉल वाई cos थीटा, और ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, एम ऑफ कैपिटल वाई क्यू प्लस एम ऑफ कैपिटल वाई माइनस एम ऑफ स्मॉल एक्स इंटू ई एक्स अपॉन एम ऑफ कैपिटल वाई प्लस एम ऑफ स्मॉल वाई। ये मान इस इक्वेशन के अंदर रखेंगे, cos थीटा की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, वन रखनी पड़ेगी। तो उस कंडीशन में देखिए इक्वेशन क्या आती है, एम ऑफ कैपिटल वाई एम ऑफ स्मॉल वाई एम ऑफ एक्स एम ऑफ वाई ई ऑफ एक्स अपॉन एम ऑफ कैपिटल वाई प्लस एम ऑफ स्मॉल वाई का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा की वैल्यू वन है, प्लस में आगे की तरफ क्या आ जाएगा, एम ऑफ कैपिटल वाई क्यू प्लस एम ऑफ कैपिटल वाई माइनस एम ऑफ स्मॉल एक्स ई एक्स अपॉन एम ऑफ कैपिटल वाई प्लस एम ऑफ स्मॉल वाई का बराबर जीरो आ जाएगा। अब यहां से रहेगी अब यहां से पूरा का पूरा डेरिवेटिव पार्ट है, जिसके अंदर मैथमेटिकल प्रोसेस है और कुछ नहीं है। अगर अक्सर छोटे छोटे होंगे तो इसे मैं बड़ा लिख दूंगा, लेकिन एक एक स्टेप को देखते जाना क्या क्या होगा, उसी से समझ में आएगा कि ऊर्जा का मान कैसे निकल रहा है, क्योंकि पूरा का पूरा मैथमेटिकल प्रोसेस है, बाकी अब इसमें आगे कुछ भी नहीं है। एम ऑफ स्मॉल एक्स एम ऑफ कैपिटल स्मॉल वाई ई ऑफ एक्स अपॉन एम ऑफ स्मॉल वाई प्लस एम वाई क्यू प्लस एम वाई ई ऑफ एक्स माइनस एम एक्स ई एक्स बराबर क्या हो जाएगा जीरो के। यहाँ से एक एम वाई प्लस एम कैपिटल वाई प्लस एम स्मॉल वाई को क्या ले लिया हमने, कॉमन ले लिया, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, रूट तो सिर्फ ऊपर वाले टर्म के ऊपर, नीचे वाले तो है नहीं, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और ये एक सिंगल पावर के अंदर है, अगर कॉमन लेके दूसरी तरफ भेजेंगे तो जीरो हो जाएगा, बचेगा नीचे एक टर्म। अब इसमें वापस ऊपर नसब लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम ऑफ स्मॉल एक्स एम ऑफ स्मॉल वाई ई ऑफ एक्स प्लस एम ऑफ कैपिटल वाई पोस्ट में q प्लस ई एक्स पोस्ट में m ऑफ कैपिटल y प्लस m ऑफ स्मॉल y। यहाँ से ये m y कॉमन आएगा तो पोस्ट में क्या आ जाएगा, q प्लस ई एक्स आ जाएगा, और m ऑफ कैपिटल y प्लस m ऑफ स्मॉल y मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, फिर आगे माइनस के m ऑफ x e ऑफ x कोष्टक में वापस m ऑफ कैपिटल y प्लस m ऑफ स्मॉल y बराबर जीरो। m ऑफ स्मॉल x m ऑफ कैपिटल y e ऑफ x प्लस m ऑफ कैपिटल y q प्लस e ऑफ x एम ऑफ कैपिटल वाई प्लस एम ऑफ स्मॉल वाई माइनस एम एक्स ई एक्स एम कैपिटल वाई माइनस एम एक्स ई एक्स एम स्मॉल वाई बराबर जीरो। ये टर्म से ये टर्म गई पॉजिटिव और नेगेटिव। अब एम ऑफ कैपिटल वाई
क्यू प्लस ई ऑफ एक्स कोष्ठक में एम स्मॉल वाई प्लस एम कैपिटल वाई माइनस एम ऑफ एक्स ई ऑफ एक्स एम ऑफ कैपिटल वाई बराबर जीरो, एक इक्वेशन ये बन गई। लिखा हुआ क्लियर दिख रहा है? यहाँ पे एक इक्वेशन आपने जो नाभिक के अभिक्रिया है उसको स्टार्ट की थी, तब आपने क्या बताया था? क्यू बराबर, मैंने आज उसको चेंज कराया तो यहाँ पे वो लिखूंगा तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यू कोष्ठक में क्या लिखा था? एम ऑफ कैपिटल एक्स प्लस एम ऑफ स्मॉल एक्स माइनस एम ऑफ कैपिटल वाई प्लस एम ऑफ स्मॉल वाई ठीक है। यहाँ से क्या लिख सकते हैं? क्यू अपॉन सी का स्क्वायर बराबर एम ऑफ कैपिटल एक्स प्लस एम ऑफ स्मॉल एक्स माइनस एम ऑफ कैपिटल वाई प्लस एम ऑफ स्मॉल वाई ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ से। और नाभिकीय अभिक्रिया कैसी है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, तथा जब हम क्यू के अंदर सी स्क्वायर का भाग देंगे तो उस कंडीशन में ये वैल्यू क्या आती है? बहुत ही छोटी वैल्यू आती है, बहुत ही कम आती है, जिसका मान क्या होता है? एक से बहुत कम होता है, पॉइंटों के अंदर होता है ठीक है। तो एक से जब इसका मान बहुत कम है तो उस कंडीशन में हम क्या मान सकते हैं? इसको नगण्य मान सकते हैं, जिसकी वैल्यू किसके बराबर? जीरो के बराबर हो। तो उस कंडीशन में हम क्या लिख सकते हैं? एम ऑफ कैपिटल एक्स प्लस एम ऑफ स्मॉल एक्स बराबर क्या आ जाएगा? एम माइनस एम ऑफ कैपिटल वाई प्लस एम ऑफ स्मॉल वाई जीरो। तो यहां से हम एम ऑफ स्मॉल वाई का मान भी हम क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे नॉर्मली यूज होगा ठीक है। तो एम ऑफ स्मॉल वाई की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? या फिर दोनों तरफ इसको ट्रांसलेट करते हैं तो पहले क्या है? एम ऑफ एक्स बराबर क्या आ जाएगा? एम ऑफ कैपिटल वाई प्लस एम ऑफ स्मॉल वाई ठीक है। ये इक्वेशन आ गई, इससे ये नंबर एक ठीक है। इसको एक और फॉर्मेट में लिख लेते हैं, जो नॉर्मली जिस इक्वेशन का यूज होगा, इस इक्वेशन की सहायता से जिस मान का या जिस द्रव्यमान ऊर्जा का यूज होगा उसके लिए इस इक्वेशन को लिख देते हैं। इस इक्वेशन की सहायता से हम क्या लिख सकते हैं? एम ऑफ स्मॉल वाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? एम ऑफ कैपिटल एक्स प्लस एम ऑफ स्मॉल एक्स माइनस के एम ऑफ कैपिटल वाई भी लिख सकते हैं। ये लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? यहाँ पे इस देखिए, एम ऑफ कैपिटल एक्स प्लस एम ऑफ स्मॉल एक्स बराबर एम ऑफ कैपिटल वाई प्लस एम ऑफ स्मॉल वाई। तो एम ऑफ वाई को इधर की तरफ भेजेंगे तो वो क्या हो जाएगा? माइनस का। ये इक्वेशन आगे, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन की सहायता से हम आगे की तरफ क्या कर सकते हैं? इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। दो इक्वेशन है इंपॉर्टेंट है, एक तो ये बी इक्वेशन और एक ये इक्वेशन, बाकी वाला मिटा दो। अभी तक कोई प्रॉब्लम आओ तो बता दो, अभी तक क्लियर है? समझ में आया ये वाली, मतलब ये स्टेप कैसे हुआ? इक्वेशन नंबर ए को हम वापिस लिखे तो कैसे लिख सकते हैं? एम ऑफ कैपिटल वाई क्यू ऑफ ई क्यू प्लस ई एक्स एम ऑफ कैपिटल वाई प्लस एम ऑफ स्मॉल वाई इसी का इसको क्या लिख सकते हैं? अगर हम इस वाले को उधर भेजे तो एम ऑफ स्मॉल एक्स ई ऑफ स्मॉल एक्स प्लस एम ऑफ कैपिटल वाई। इस एम ऑफ कैपिटल वाई से ये एम ऑफ कैपिटल वाई गया, क्यू प्लस ई एक्स बराबर क्या आ जाएगा? एम ऑफ स्मॉल एक्स ई ऑफ स्मॉल एक्स अपॉन एम ऑफ कैपिटल वाई प्लस एम ऑफ स्मॉल वाई ठीक है। ये आ गया। अब हम क्या करें?
इस इक्वेशन के अंदर इस इक्वेशन और बी से क्या लग रहे एम ऑफ स्मॉल वाई का मान लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर ए से और बी से एम ऑफ स्मॉल वाई का मान रखने पर तो क्या आ जाएगा, क्यू प्लस ई ऑफ एक्स बराबर एम ऑफ एक्स ई ऑफ एक्स अपॉन एम कैपिटल वाई प्लस एम स्मॉल कैपिटल एक्स प्लस एम स्मॉल एक्स माइनस एम कैपिटल वाई। ये एक दूसरे से कट गए, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, इक्वेशन में क्या बच जाएगा, q प्लस e ऑफ x बराबर m ऑफ स्मॉल x e ऑफ स्मॉल x अपॉन m ऑफ कैपिटल x प्लस m ऑफ स्मॉल x, ये बच जाएगा इस इक्वेशन के अंदर। हमें ज्ञात करना है ex का मान, q का मान नहीं ज्ञात करना है, क्योंकि q तो हमको पहले से मालूम है, q की वैल्यू क्या है, नेगेटिवली है, हमने इस अभिक्रिया के अंदर याद करना है ex का मान, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले को ex के फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा, फिर हमें इस इक्वेशन की सहायता से किसका मान ज्ञात करना पड़ेगा, ex का मान ज्ञात करना पड़ेगा। अब यहां पे देखिए ex को उधर की तरफ भेज देंगे तो q बराबर क्या आ जाएगा, mx ex अपॉन m ऑफ कैपिटल x प्लस m ऑफ स्मॉल x माइनस e ऑफ x। q बराबर ex m ऑफ कैपिटल x प्लस m ऑफ स्मॉल x m ऑफ स्मॉल x माइनस 1 e ऑफ x कोष्टक में प्लस में क्या जाएगा, m ऑफ कैपिटल x प्लस m ऑफ स्मॉल x माइनस m ऑफ कैपिटल x माइनस m ऑफ स्मॉल x, इधर आपस में कट गया तो e ऑफ x माइनस k ऐसे हम क्या लिख सकते हैं, q बराबर माइनस k e ऑफ x m ऑफ कैपिटल x अपॉन m ऑफ कैपिटल x प्लस m ऑफ स्मॉल x। तो ex बराबर क्या आ जाएगा, ex बराबर माइनस के q कोष्टक में m ऑफ कैपिटल x प्लस m ऑफ स्मॉल x अपॉन m ऑफ कैपिटल x, ये आ गया इक्वेशन नंबर c। ये हो गई, ये इक्वेशन आ गई। अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो अब देखिए यहां पर आगे की तरफ हम और क्या लिख सकते हैं, अभिक्रिया कौन सी है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में मान क्या होता है मिनिमम, जो कि किसके बराबर होगा, e of x दहली ऊर्जा के बराबर होता है, ठीक है। बी से क्या हो जाएगा, ई एक्स पहली ऊर्जा बराबर क्या आ जाएगा, माइनस के क्यू एम ऑफ स्मॉल एक्स प्लस एम ऑफ कैपिटल एक्स अपॉन एम ऑफ कैपिटल एक्स,
ठीक है ना। तो ये जो ऊर्जा का ये जो फॉर्मूला निकल रहा है, अब इसमें देखिए आगे माइनस का साइन है, पर इस माइनस का साइन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो ऊर्जा हमें धनात्मक चाहिए वो ऊर्जा यहाँ से धनात्मक हमें मिल जाएगी, क्योंकि एक तो पहले से इसके ऊपर माइनस का साइन है, दूसरा हमने जो नाभिकीय विघटन ऊर्जा मानी है उसमें सोचिए विग्रह में वो भी नेगेटिव मानी है, तो नेगेटिव से नेगेटिव साइन कटेगा तो हमें क्या मिल जाएगी, दैनिक ऊर्जा भी पॉजिटिव के रूप में मिल जाएगी। तो ये ऊर्जा जो है ये किसको, अभिक्रिया को, प्रारंभ करने के लिए आवश्यक पहली ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। ठीक है ना। एक्स का मान क्या है, माइनस के क्यू एम एक्स प्लस एम कैपिटल एक्स अपन एम कैपिटल एक्स। इस फॉर्मूले की सहायता से आप किसी भी रिएक्शन के अंदर जो कि उसमें शोषी अभिक्रिया है उसके लिए जो ऊर्जा आवश्यक होगी किसको, अभिक्रिया को करवाने के लिए, कोई भी अभिक्रिया कैसे स्टार्ट होगी, स्टार्ट होने के लिए उसको कितनी ऊर्जा चाहिए उस रिएक्शन के अंदर, अगर मान लो कोई भी रिएक्शन आपको दे दी उसमें सभी पदार्थों के द्रव्यमान दे दिए या फिर द्रव्यमान ऊर्जा के बारे में बता दिया, तो उस आधार के ऊपर आप क्या कर सकते हो, इस रिएक्शन के अंदर उनका मान रखकर आप क्या कर सकते हो, उस नाभिक अभिक्रिया के अंदर आवश्यक दैनिक ऊर्जा या फिर आवश्यक वो न्यूनतम ऊर्जा जिससे अभिक्रिया स्टार्ट हो सकती है उसका मान हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन से ज्ञात कर सकते हैं। तो